डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम 10+2 का जो यूनिट नंबर 5 है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसमें से आपको चैप्टर नंबर 14 करवाएंगे जो कि है इकोलॉजी के बारे में, और उसमें एक टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन डिटेल में पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरे अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो इट इज़ विजिबल टू यू, ये PDF के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, बाद में आपको PPT के थ्रू भी करवाऊँगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या? एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द कम्युनिटीज इज डैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन। तो सभी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हों, उनका जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है। दिस चेंज इज़ ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल पैरेलल विद चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट, और ये एक ऑर्डर में होती है, ऐसे नहीं है कि एकदम से हो जाएंगी, इसमें टाइम लगता है चेंजेस में, और ये इन्वायरमेंट फैक्टर के पैरेलली चेंज होती है, यानी जिस रेंज में इन्वायरमेंट के फैक्टर चेंज होंगे उसी रेंज में ये चेंज होगी। सो दिस चेंजिंग जो है फाइनली एक कम्युनिटी बना देती हैं डैट इज़ नियरली इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और चेंजेस एंड तक जाती हैं और एक ऐसी स्पीसीज बन जाती है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, और बाद में उसमें कोई चेंज नहीं आती, इसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये मेन है, इसमें क्या है, द ग्रेजुअल एंड प्रडिक्टेबल चेंज, प्रडिक्टेबल भी होती है, इसमें पता होता है कि ये चेंज होने वाली है इन द स्पीसीज, स्पीसीज में उसकी कंपोजिशन में एक गिवन एरिया में टाइम के हिसाब से, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ड्यूरिंग द सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनोलाइज इन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं सक्सेशन में जिनके जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी रैपिडली ग्रो करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती है और वो न्यूमरस ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनमें थोड़ा कम ग्रो होती है और बाद में वो डिक्लाइन भी हो जाती है, यानी सक्सेशन में कुछ स्पीसीज का नंबर बढ़ जाता है, कुछ स्पीसीज का नंबर डिक्लाइन हो जाता है। सो जो इंटायर सीक्वेंस है ऑफ द कम्युनिटीज़ डेस्क्वेंसली चेंज इन ए गिवन एरियाज कॉल्ड सीरीज। जो भी चेंजेस आती हैं स्टेप वाइज, जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी कम्युनिटीज़ बनती जाएंगी, पुरानी कम्युनिटी ख़त्म भी हो सकती है, न्यू फ्लॉरिश करेगी, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ द सक्सेशन। तो जो भी इसमें स्टेज आती है उसको हम सीरीज कहते हैं। सो इंडिविजुअल ट्रांजिशन कम्युनिटी जो बनती है उसमें उसको कहते हैं सीरियल स्टेज और द सीरियल कम्युनिटीज़। जो भी कम्युनिटी हमें बनती है उसको हम सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी का नाम देते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर है, बाद में आपको डायग्रामेटिकली भी बता दूंगा। सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज इन द टोटल बायोमास। इसमें ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ता है, उसका बायोमास भी बढ़ता है, स्पीसीज का नंबर भी बढ़ता है। आगे अगर हम बात करें प्रेजेंट डे कम्युनिटी की, इन द वर्ल्ड हैव बिकम मोर बिकॉज ऑफ द सक्सेशन हैज अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ द ईयर सिंस द लाइफ स्टार्टर। अगर हम बात करें बर्ड में आपको कई तरह के एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो लाइफ का जो स्टार्ट है काफ़ी हजारों करोड़ों साल पहले हो चुका है, उसमें जो सक्सेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो एक्चुअली द सक्सेशन एंड एवोल्यूशन वुड हैव इन पैरेलल। तो सक्सेशन जो है या एवोल्यूशन है वो पैरेलल ही हम उसको समझ सकते हैं। सक्सेशन जो है इज़ द प्रोसेस, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, इज़ द प्रोसेस डैट स्टार्ट वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दिस कुड एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड से बियर रोक। सक्सेशन कह सकते हैं, यानी स्टार्टिंग में वहाँ कुछ नहीं है, बंजर जमीन है, वहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, तो उस एरिया को हम कहेंगे बियर रॉक, चट्टान है। और एन एरिया सम लोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म डैट एग्जिस्टेड देयर। या तो ऐसे हो सकता है कि उस कम्युनिटी में पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म ना हो, या ऐसे हो सकता है कि पहले वहाँ कोई ऑर्गेनिज्म हो बाद में ख़त्म हो गए, जैसे वोल्केनो आ गया, जंगल है, जंगल में आग लगी, जैसे अमेजन फॉरेस्ट में आग लगी थी, तो उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं। तो दो कंडीशन आ गई, जो पहले मैंने आपको बताई वेयर रॉक, जो सिर्फ एक पथरीली चट्टान है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहाँ अगर लाइफ स्टार्ट होनी है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन।
स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टाइप है सक्सेशन, दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी सक्सेशन में क्या आ गया, बेयर रॉक वाला, वहाँ कोई लाइफ नहीं थी। सेकेंड जो पहले लाइफ थी ख़त्म हो गई, जैसे जंगल में आग लगी, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या है, दैट इज़ द न्यूली कूल्ड लावा, लावा ठंडा हुआ है, चट्टान है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वाइटिक कम्युनिटी इसमें स्लो होगी, क्योंकि अगर चट्टान है उसमें लाइफ बननी उसको काफ़ी टाइम लगेगा, उसमें 10,000 तक साल भी लग जाते हैं, लाखों साल भी लग जाते हैं, बिकॉज ए बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टेब्लिश एंड देयर मस्ट बी सॉइल। तो सबसे पहले सॉइल होनी चाहिए, चट्टान के पास सॉइल नहीं है, सॉइल में ना कोई फ्लोरा है ना फौना है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो उसमें पहले सॉइल फॉर्मेशन होगी, तो वो एक स्लो स्टेप होगा। डिपेंडिंग ऑन मोस्टली ऑन द क्लाइमेट एंड इट टेक्स नेचुरल प्रोसेसेस, काफ़ी 100,000 साल लग जाते हैं प्राइमरी सक्सेशन में, क्योंकि चट्टान ने पहले क्या बनना है वहाँ पे, फर्टाइल सॉइल। सो प्राइमरी सक्सेशन जो है ज़्यादा टाइम लेती है। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, एक ऐसे एरिया में आती है वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सच एज इन अबॉन्डेंट फार्म लैंड, वांड और कट फॉरेस्ट लैंड डैट हैव बीन फ्लडेड। तो मैंने बता दिया सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हुआ, पहले वहाँ लाइफ थी, बाद में क्या हो गया, वहाँ फॉरेस्ट फायर आ गई, जहाँ वहाँ फ्लड आ गए, वॉल्केनिक इरप्शन होगी, तो उस वजह से कम्युनिटी ख़त्म होगी। तो इसमें क्या होगा, वहाँ सॉइल ऑलरेडी बनी है, जंगल में आग लग जाए सॉइल ख़त्म नहीं होती, उसके सेडिमेंट प्रेजेंट हो गए, तो उसमें सक्सेशन जो है फास्ट होगी। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, यूजली फोकस ऑन द चेंजेस इन वेजिटेशन, इसमें वेजिटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, क्या चेंजेस आ रही है। However, these vegetational changes in turn affect the food and shelter of the various type of animal. तो इनमें जब ऑर्गेनिज्म प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी होते हैं, जो प्लांट कम्युनिटीज ग्रो करती जाएंगी उसके साथ में जो एनिमल्स हैं उनको भी इफेक्ट होगा। सो दीज वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट द फूड एंड शेल्टर ऑफ एनिमल। तो क्योंकि प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक्स हैं, तो प्लांट को खाने वाले जो एनिमल्स हैं दे आर हेटरोट्रॉपिक, उनको फूड की जरूरत पड़ती है, सो उनको भी इफेक्ट होता है। सो एंड सक्सेशन जैसे प्रोसीड करती है, नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर ऑल्सो चेंज। सो सक्सेशन की हर स्टेज में कम डिकम्पोजर और आपके कंज्यूमर वो चेंज होते रहेंगे। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के किसी भी टाइम में नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस डिस्टर्बेंस, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, जहाँ तो नेचर कर दे जहाँ तो ह्यूमन कर दे, जैसे फायर हो गई, डिफॉरेस्टेशन जंगल को काट दिया, वॉल्केनो आ गया, फ्लड आ गया एसेट्रा, कैन कन्वर्ट ए पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्ली। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई, मानिए भी पहले वहाँ सॉइल नहीं थी, सॉइल बन गई, एक स्टेज आगे चल गई, पर बाद में अगर वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन आ गया तो सॉइल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ वो पिछली स्टेज में फिर चला जाएगा। आल्सो सच ए डिस्टर्बेंस क्रिएट न्यू कंडीशन डैट इनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज अनदर स्पीसीज। तो ये जो चेंज आती है इसमें कुछ स्पीसीज इनकरेज हो जाती हैं, कुछ स्पीसीज जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सो ये आपने याद कर लेना है। सो सक्सेशन जो है प्लांट में बेस्ड ऑन द नेचर, ऑन द हैबिटेट वेयर इट इज, जैसे पानी में हो रही है, बैक्टीरिया है, और इट ऑन ड्राई एरिया, जैसे प्लांट की अगर सक्सेशन करनी है पानी में वो हाइड्रार्क होगी, अगर रेगिस्तान में है ड्राई एरिया में वो जीरार्क होगी। हाइड्रार्क सक्सेशन जो है वाटर एरिया में लेती है, एंड सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रारिक टू मेसिक कंडीशन एज अगेंस्ट दिस जीरिक कंडीशन, जो सक्सेशन है टेक प्लेस इन ड्राई एरिया एंड सक्सेशन प्रोसीड जीरिक टू मेसिक। यानी अगर सक्सेशन पानी में होगी, ठीक है, तो पानी में धीरे धीरे पॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें एक फॉरेस्ट बन जाएगा, लैंड बन जाएगी, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रिक के बाद क्या आ जाएगी, मेसिक कंडीशन। तो अगर आपकी जीरो फिटिंग में हो रही है, रेगिस्तान में हो रही है, तो रेगिस्तान में पहले मिट्टी बनेगी, फिर वहाँ पानी इकट्ठा होगा, फिर वहाँ कैटिक आ जाएगी, तो यहाँ बेट कंडीशन आ जाएगी। सो सबसे पहले जो स्पीसीज ग्रो करती है सक्सेशन में, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, जो सबसे पहले वाली स्पीसीज होती है उसको कहते हैं पॉइनियर स्पीसीज, ये याद कर लेना है। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन द रॉक देर आर यूजली लाइकन डेट आर एबल टू स्क्रीट एसिड एंड डिजोल्व द रॉक, हेल्पिंग इन विदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। तो अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की स्टूडेंट्स बात करें, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, चट्टान को तोड़ने के लिए लाइकन ग्रो करते हैं। लाइकन आपने पढ़ा होगा, प्लांट्स होते हैं, फंगल एंड एल्गल ग्रोथ इकट्ठी होती है,
तो वो एसिड्स क्रिएट करते हैं, उससे चट्टान टूटनी शुरू हो जाती है, सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वेरी स्मॉल प्लांट ग्रो करते हैं ब्रायोफाइट, उसके बाद विच टेक होल्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल, वो सॉइल बनाते हैं, एंड विद टाइम वहाँ बिगर प्लांट आ जाएंगे, अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी जो कि एंजियोस्पर्म्स हैं। तो इस तरीके से आता है। सो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है रिमेन स्टेबल एज लॉन्गर एनवायरमेंट रिमेन अनचेंज विद द टाइम जीरोफिटिक हैबिटेट कन्वर्टेड इंटू मीज़ोफिटिक। सो चट्टान की बात कर रहे हैं उसको जीरोफिटिक कह सकते हैं, जहाँ पहले कोई लाइफ नहीं थी, बंजर जमीन। तो उसमें क्या हुआ, पहले आपके लाइकन आ गए, लाइकन के बाद ब्रायोफाइट, रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आएंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो मोस्ट स्टेबल है, जब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो एंजियोस्पर्म वहाँ सर्वाइव करेंगे। सो प्राइमरी सक्सेशन की अगर मैं बात करूँ, इन वाटर की बात करें, तो पॉइनियर जो हैं आर स्मॉल फाइटोप्लैंकटन। पानी में अगर प्राइमरी सक्सेशन होगी तो सबसे पहले क्या आएंगे वहाँ, फाइटोप्लैंकटन। फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं विद द फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, देन बाय रूटेड हाइड्रोफाइट, देन सेज, ग्रास एंड फाइनली ट्री। इस तरीके से जाती हैं। सो द क्लाइमेक्स जो है अगेन वुड बी फॉरेस्ट, बाद में वहाँ क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट। विद द टाइम द वाटर बॉडी इज़ कन्वर्टेड इंटू लैंड, बाद में वहाँ लैंड बन जाएगी। अगर सेकेंडरी सक्सेशन की बच्चों बात करें, तो स्पीसीज दैट इनवेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ सॉइल, सॉइल के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे, इन्वायरमेंट आल्सो जैसे शीड और अदर प्रोपेग्यूल्स प्रेजेंट। तो सेकेंडरी सक्सेशन जैसे जंगल में आग लगी, ठीक है, तो उसमें कुछ रूट्स तो बच जाएंगे प्लांट की, या कुछ शीड बच जाएंगे, वो जर्मिनेट कर सकते हैं। वहाँ ऑलरेडी आपके पास सॉइल है, तो इसका जो रेट है फास्टर होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी जल्दी बन जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ डायग्रामेटिकली आप देख लीजिए, फाइटोप्लैंकटन नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये है प्राइमरी सक्सेशन के बारे में बता रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग में होना है प्राइमरी सक्सेशन, यानी पानी में लैंड बनाना है। ठीक है, पहले लैंड नहीं है, पहले पानी है। तो पहले क्या कम्युनिटी आएगी, डैट विल बी द फाइटो प्लैंकटोन। फिर आएंगे साथ में रीड स्वैम स्टेज, सबमर्ज प्लांट, फिर मार्श मीडो स्टेज आएगी, फिर आएंगे सबमर्ज फ्री प्लॉटिंग प्लांट, फिर आएंगे स्क्रब प्लांट, फिर आएगा फॉरेस्ट। सो हियर फॉर द क्लाइमेक्स टू बी रीच्ड, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे है, डैट इज ऑल द सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड टू बी सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, डैट इज द म्यूजिक। चाहे सक्सेशन वाटर में हो चाहे प्लांट में हो, तो बाद में क्या आएंगे आपके, सिमिलर म्यूजिक कंडीशन आएगी, डैट विल बी टॉल ट्री, एंजियोस्पर्म ग्रो करेंगे। सो अभी आगे कुछ आपको मैं दिखाता हूँ पीपीटी के थ्रू। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं थ्रू द पीपीटी, चेंज इन द इकोसिस्टम। तो बेसिकली जो सक्सेशन होती है, ये चेंज ही होती है जो इकोसिस्टम में चलती है, ड्यू टू द फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखते हैं क्या इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या। नेचुरल ग्रेजुअल चेंजेस इन द टाइप्स ऑफ स्पीसीज डैट लिव इन एन एरिया कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लांट कम्युनिटी बाय अनदर थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ओवर टाइम। सो व्हाट डज इट मीन, नेचुरल सक्सेशन अभी बता चुका हूँ, ये नेचुरल चेंज होती है, जो कि कोई स्पीसीज है किसी एरिया में रह रही है उसी में होती है। ये प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, और इसमें ग्रेजुअल स्लोली रिप्लेसमेंट होती रहती है ऑफ प्लांट कम्युनिटी बाय अनदर, यानी एक कम्युनिटी ख़त्म होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो द नेचुरल प्रोसेसेस ओवर टाइम, तो नेचर के थ्रू प्रोसेसेस से ही ये चलती हैं। प्राइमरी सक्सेशन बिगिन इन ए प्लेस विदाउट एनी सॉइल, कोई ऐसी जगह जहाँ पे पहले कोई सॉइल ना हो, उस जगह पे जो स्पीसीज पहले सक्सेशन जो टाइप अराइज होती है उसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी सक्सेशन। मैंने आपको अभी बता दिया है पहले, जो हम बुक से एनसीईआरटी से कर रहे थे, सो सेम इसी में है, बिगेन इन द प्लेस विदाउट एनी सॉइल, उसी जगह पे होगी जहाँ पहले कोई सॉइल ना हो। एंड साइट्स ऑफ बल्केनो, बल्केनो जहाँ हुए है, लैंडस्लाइड हुई है, फ्लडिंग हुई है, इस एरिया में प्राइमरी सक्सेशन होती है। सो फर्स्टली यहाँ लाइकन ग्रो करते हैं डैट डू नॉट नीड टू सॉइल टू सर्वाइव ग्रो ऑन रॉक। तो एक वेयर रॉक होती है जहाँ सॉइल नहीं होती। तो लाइकन मैंने बताया था आपको, एसिड्स क्रिएट करते हैं जो कि रॉक के हार्ड पार्टिकल को तोड़ देता है और सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है विदरिंग से। उसके बाद मॉसिस शुरू हो जाते हैं ग्रो होना, जो कि आपको मैंने बताया था ब्रायोफाइट, रिडोफाइट।
इनको हम पॉइनियर स्पीसीज कहते हैं। जो सबसे पहले स्पीसीज ग्रो करेगी उसको हम पॉइनियर का नाम देते हैं, एंड इन दैट केस वी हैव पॉइनियर स्पीसीज द लाइकन्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइनियर स्पीसीज है क्या, ये देख लीजिए। पॉइनियर स्पीसीज लाइकन ब्रेक डाउन द रॉक फॉर्म सॉइल, ये रॉक को तोड़ रही है लाइकन, सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट कर रही है। उसके बाद लो ग्रोइंग मॉस प्लांट ट्रैप मॉइस्चर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फिर उसके बाद आ जाएंगे मॉसेस, मॉसेस ब्रायोफाइट ट्रीडोफाइट को कहते हैं, ये वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल को इनकर बना के रखते हैं, इससे सॉइल जो है बिखरेगी नहीं, वो इरोजन नहीं होगा, सॉइल फॉर्मेशन चलती रहेगी। प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल जो है स्टार्ट टू फॉर्म लाइकन। सो यहाँ पे जो सॉइल है वो स्टार्ट टू फॉर्म एज लाइकन, एंड फोर्सेज ऑफ विदरिंग एंड इरोजन हेल्प इन ब्रेक डाउन रॉक इनटू स्मॉलर पीसीज। तो यहाँ जो लाइकन होते हैं वो सॉइल को बनाना शुरू कर देते हैं रॉक की, उसको खोरना शुरू कर देते हैं, उसको हम विदरिंग का नाम देते हैं, एंड छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट हो जाती है जो चट्टान होती है। जब लाइकन मर जाते हैं फिर वो डिकम्पोज होते हैं, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द रॉक। जब लाइकन ख़त्म हो जाएंगे तो उसका जो बायोमास होगा वो है आल्सो हेल्प करेगा इन द ह्यूमस फॉर्मेशन। सो ये यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे रॉक है, इसमें स्टार्ट हुई है सक्सेशन, दिस काइंड इज़ द प्राइमरी सक्सेशन। और यहाँ पे पहले लाइकन ग्रो हुए हैं, फिर मॉसेस, फिर ब्रायोफाइट ट्रीडोफाइट, एंड जो सेंटर में है दे आर हायर प्लांट्स, दे आर द एंजियोस्पर्म। सो प्राइमरी सक्सेशन यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी, ये रॉक है, यहाँ पे स्टार्ट हुई है, उसके बाद यहाँ मॉसेस एंड फर्न ग्रो हो गए हैं, ये प्राइमरी सक्सेशन है। सिंपल प्लांट लाइक मॉस एंड फर्न कैन ग्रो इन द न्यू सॉइल। जब न्यू सॉइल बन गई है लाइकन की हेल्प से जो चट्टान के ऊपर, अब वहाँ क्या ग्रो करेंगे, मॉसेस एंड फर्न्स। ये प्राइमरी सक्सेशन देखिए, और अदर अच्छे से समझाया हुआ है। सिंपल प्लांट डाई एडिंग मोर ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो छोटे प्लांट ख़त्म होंगे, पहले यहाँ पे लाइकन ख़त्म हो जाएंगे, उसका ऑर्गेनिक मैटर हेल्प करेगा मॉसेस एंड फर्न को ग्रो करने के लिए। मॉसेस एंड फर्न जब ख़त्म होंगे वो हेल्प करेगा फर्दर प्लांट की ग्रो के लिए। जो सॉइल की लेयर होती है इससे क्या हो जाती है, थिक होना शुरू हो जाती है, एंड ग्रास वाइल्ड फ्लावर एंड अदर प्लांट बिगेन टू टेक ओवर, फिर वहाँ पे ये प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए जो वाइल्ड फ्लावर है, फ्लावर प्लांट्स हैं यहाँ पे शो हुए हैं इस फील्ड में, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पे जो प्लांट जब डाई हो जाते हैं, दे ऐड मोर न्यूट्रिएंट टू सॉइल, श्रब एंड ट्री कैन ग्रो। फिर जो छोटे प्लांट ख़त्म हो जाएंगे, फिर उससे बाद क्या शो हो जाएंगे, श्रब, जो हर्ब्स एंड श्रब बड़े प्लांट और ट्री बनना शुरू हो जाते हैं। सो इंसेक्ट, स्मॉल बर्ड एंड मैमल, ये भी मैंने आपको बताया था, जो सक्सेशन होती है नॉट ओनली फॉर प्लांट, और प्लांट के ऊपर एनिमल सर्वाइव करते हैं, दे आर द हेटरोटॉप्स, ठीक है, कंज्यूमर, तो प्रोड्यूसर को खाएंगे। इसके साथ जो इंसेक्ट हैं, स्मॉल बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उस एरिया को मूव करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो करेंगे, यानी जब उनका पुराना फूड ख़त्म हो जाएगा तो न्यू फूड की सर्च में जाएंगे। वट वॉज वंस बेयर रॉक नो स्पोर्ट ए वैरायटी ऑफ लाइफ, जो पहले कभी एक बंजर जमीन थी, एक चट्टान थी, वो अभी काफ़ी तरह के एनिमल्स और लाइफ को सपोर्ट करना शुरू कर रही है। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन, ये उस जगह पे होती है जहाँ ऑलरेडी आपके पास सॉइल होगी। बाज वंस द होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अकर फास्टर एंड हैज़ डिफरेंट पॉइनियर स्पीसीज, तो ये तेज़ी से होती है, इसमें पॉइनियर स्पीसीज डिफरेंस होती हैं। जैसे फॉरेस्ट फायर होगी, जंगल में आग लग गई तो फिर भी कुछ बचा होगा, सॉइल वहाँ ग्रो करेगी। तो ये देखिए यहाँ पे सक्सेशन को समझाया हुआ है अच्छे से, जो स्टार्ट हो रही है ये सेकेंडरी सक्सेशन है, यानी यहाँ पहले कुछ रूट्स बची थी वो ग्रो होनी शुरू हुई, फिर छोटे प्लांट, फिर बड़े प्लांट, ऐसे ग्रो करेगी। ईयर आफ्टर कल्टीवेशन, अब जहाँ कल्टीवेशन होती है, जब जैसे जंगल काट देते हैं जहाँ आग लगा दी, तो क्या होता है, वैसे पहले एनुअल बीड ग्रो करेंगी, ठीक है। ये आपका लिथोसीरीज भी हो सकती है, जो एग्जांपल है सेकेंडरी सक्सेशन की, और एनुअल एंड पेरेनियल बीड आएंगी, फिर आएंगे पाइन शीडलिंग, फिर आएंगे जंग पाइन फॉरेस्ट, फिर आएंगे मेच्योर हार्डवुड फॉरेस्ट, ऐसे ग्रो होती है। ये भी देख लीजिए, ये आपकी हाइड्रार्क है, हाइड्रार्क और हाइड्रो सीरीज,
ये सक्सेशन हो रही है पॉन्ड में, पॉन्ड में होगी। अब पॉन्ड को वो क्या बनाएगा, कन्वर्ट करेगा इनटू द फॉरेस्ट। मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में यहाँ बीच बीच ग्रास ग्रो कर गई पहले, फिर फॉरन कम्युनिटी ग्रास आ गई, फिर श्रब आ गई, फिर पाइन वुड आ गई, फिर ओक वुड आ गई, फिर बीच मैपल फॉरेस्ट। तो इस वजह से ग्रो करते हैं। साथ में ह्यूमस फॉर्मेशन, जैसे जैसे सॉइल की नरिचमेंट हो रही है, दैट आर प्रोवाइडिंग द सपोर्टिंग सिस्टम फॉर न्यू टाइप ऑफ प्लांट्स। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उसके बाद एक कम्युनिटी आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, एक स्टेबल ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल डैट एंड रिजल्ट ऑफ सक्सेशन, जिसके बाद कोई भी सक्सेशन नहीं होगी, वहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी। डज नॉट ऑलवेज मीन बिग ट्री, ग्रास भी हो सकते हैं, सिर्फ बड़े ट्री नहीं होंगे, सिर्फ ग्रास भी हो सकते हैं। केटकी इन द डेजर्ट, पेरिसीसी में जो ग्रासिस क्लाइमेक्स होगी और डेजर्ट्स में कैटकस ट्रीज होंगे। ये देख सकते हो यहाँ शो हुआ है क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ये चट्टान जो है इसके ऊपर धीरे धीरे सॉइल फॉर्मेशन हो रही है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्राइमरी सक्सेशन समझा चुका हूँ, ये भी हो गया है। हर्ब्स एंड वीड्स कैन ग्रो इन द थिकर इनरिच सॉइल, जैसे सॉइल रिच होगी वहाँ पे हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं। फिर सिंपल प्लांट डाई हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ ग्रासीज आ जाएंगे, वाइल्ड फ्लावर आ जाएंगे। फिर जैसे जैसे और ज़्यादा सॉइल इनरिच होंगी वो ख़त्म हो जाएंगे, डैट विल सपोर्ट द बिगर ट्री। सो देख लिए, दीज प्लांट ट्राई एंड ऐड मोर न्यूट्रिएंट, श्रब्स एंड ट्री वहाँ सर्वाइव होंगे। अभी अब बता चुका हूँ आपको, उसके साथ आपको इंसेक्ट बर्ड एंड मैमल भी साथ में फ्लोरिश होते हैं। सो दीज प्लांट डाई एंड दे ऐड मोर न्यूट्रिएंट इन सॉइल, लार्जर ट्री कैन ग्रो बीच ओक वालनट एंड मैपल, ये बड़े ट्री होते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या है, स्टेबल कम्युनिटी है, फाइनल स्टेज है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। तो विद क्लाइमेक्स कम्युनिटी द कंडीशंस कंटिन्यू टू सूटेबल फॉर ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, तो इसमें जो सारी सिचुएशन सूटेबल होती हैं, कोई भी इन्वायरमेंट चेंजेस होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को इतना अफेक्ट नहीं करती। तो ये सारी क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ हैं, देख सकते हो इसको। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। ये फॉरेस्ट फायर हो गई है, इस वजह से सक्सेशन द्वारा फिर स्टार्ट होगी, उसको सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देंगे। ये आग लग गई है, वोल्केनोज, एवलेंचे, लैंडस्लाइडिंग हो गई है, डिफोरेस्टेशन, ये सारे कारण हैं। जो बेसिकली इसमें नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं और मैन मेड डिजास्टर्स भी होते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी को ख़तरे होते हैं, फॉरेस्ट फायर, ह्यूमन बिल्डिंग, सिटी रोड, फ्लडिंग, वोल्केनो इरप्शन, क्लियरिंग एज कम्युनिटी फॉर एग्रीकल्चर, एनीथिंग डैट डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, मच ऑफ द सॉइल रिमेन सम टाइम, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो हैं रिमेन एज वेल। सेकेंडरी सक्सेशन देख लीजिए, पहले लाइफ थी, फायर होगी वहाँ पे, या डिफोरेस्टेशन होगी, वोल्केनिक इरप्शन होगी, फिर से वहाँ लाइफ शुरू होगी, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो जो आपकी प्राइमरी सक्सेशन है ये स्लोअर होती है, जो सेकेंडरी सक्सेशन है इट मच फास्टर, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सॉइल होती है। सो ये देख लीजिए, सेकेंडरी सक्सेशन समझाई हुई है, फॉरेस्ट फायर लग गई, 1 साल लगा, 102 साल में वहाँ एनुअल प्लांट, पॉइंट स्पीसीज, ग्रासीस, पेरिनियल आ गए, फिर इंटरमीडिएट आ गए, फिर वहाँ क्लाइमेक्स आ गई। तो ये बेसिकली 200 या 500 साल लगाती है। तो जो आपकी सेकेंडरी प्राइमरी सक्सेशन है उसमें 10,000 तक भी साल लग जाते हैं, कहीं में लाखों साल लग जाते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन ऑन एन अबेंडेंड कॉर्नफील्ड, ये कॉर्नफील्ड है, उसको ख़त्म कर दिया सारा आग लगा के, फिर वहाँ पर दोबारा फिर सक्सेशन हुई है, ये पूरी क्लियर कट पिक्चर है। सो सेकेंडरी जो सक्सेशन है, सम बीड जो शीड हैं इन द सॉइल बिगेन टू ग्रो, यानी जब फॉरेस्ट को आग भी लगा देंगे, ज़मीन को जला भी देंगे, कुछ ना कुछ वहाँ उसके रटून बच जाएंगे, शीडलिंग बच जाएंगे, रूट्स बच जाएंगी, वो द्वारा फ्लॉरिश हो जाती हैं। लार्जर श्रब मूव इन, फास्ट ग्रोइंग ट्रीज स्पाइन मूव इन, दीज आर फॉलोवर्ड बाई स्लोअर ग्रोइंग हार्डवुड ट्री, इस तरह से सक्सेशन होती है। यानी जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये मच फास्टर होती है, ये भी सेकेंडरी सक्सेशन ही है एक तरह की, ये हाइड्रो सीरीज है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। इंसेक्ट जो हैं यहाँ पे नेशनल वाइड 7 मिलियन जो एकड़स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड आर एट सीरियस रिस्क फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिजीज, इंसेक्ट का काफ़ी खतरा है। अक्रॉस साउथ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज इन द साउथ पाइन बैटल, जो साउथ पाइन के सॉरी बीटल्स हैं इनका खतरा है। अटैकिंग टिम्बर, टिम्बर को जो फर्नीचर में काम आती है लकड़ी, उसको अटैक करते हैं।
57 मिलियन एकड़ जो है इसका रिस्क है, यानी कुछ ऐसे प्रेडेटर हैं, पैरासिटिक प्लांट है जो नुकसान करते हैं, ये बीमारियां लगी हुई हैं ट्रीज़ को, यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी को काफ़ी ख़तरा रहता है। इनवेजिक प्लांट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जब बाहर से हम ऐड कर देते हैं तो नेचुरल जो वहाँ ऐड होती है स्पीसीज उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको इनवेजिव कहते हैं। सो इन द लास्ट वी हैव अ लिटल होमवर्क फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेशन क्या है, व्हाट इज सक्सेशन। ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज टिल स्टेबिलिटी, ग्रेजुअल डायरेक्शन एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी डिसअपीयर ग्रेजुअली इन ए वैरन एरिया, ऑल ऑफ दीज। 116 लाइकन इज पाइनियर वेजिटेशन ऑन विच सक्सेशन, किस सक्सेशन में लाइकन जो है पाइनियर स्पीसीज है, हाइड्रो में, लिथो में, जीरो में, या बोथ बी एंड सी। 117 लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन सक्सेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट क्या है, सीरल है, क्लाइमेक्स है, ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। 118 इन इकोलॉजिक सक्सेशन जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द बेस्ट रिकोगनाइज बाई फॉलोइंग स्टेट, किसको आप समझोगे यहाँ। 119 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, तो ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ बायोमास इन ट्रॉफिक लेवल एट ए पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, एनर्जी कंटेंट इन ट्रॉफिक लेवल इज डिटरमिंड बाई कंसिडरिंग ए फ्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज डैट इन ए ट्रॉफिक लेवल, सक्सेशन डैट अकर इन न्यूली कूल्ड लावा इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, रेट ऑफ सक्सेशन इज फास्टर इन सेकेंडरी सक्सेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स यू आर नो एबल टू compile these important MCQs, and thank you very much for your participation in this very useful lecture of ecological succession.